गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बच्चे येस्टरडे वी स्टार्टेड ऑफ विद स्टेट्स ऑफ मैटर ते आपां उस दे विच जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट कीता सी वी डिड की प्रेशर की हुंदा वॉल्यूम की हुंदी है टेंपरेचर की हुंदा एंड वी डिस्कस्ड अबाउट देयर यूनिट्स ठीक है ना अलग अलग यूनिट्स केड़े आपां यूज करने हैं वो यूनिट्स उन्हों चंगी तरह याद होने चाहिए ने बच्चे वो इंटर कन्वर्जन चंगी तरह याद होनी चाहिए है क्योंकि जो आपां न्यूमेरिकल्स करांगे आपां उन्हां दी बहुत ज़्यादा जरूरत पवेगी ठीक है ना This chapter is very easy, numericals are very easy, बस अगर problem बच्चा नू आंदी है, तो problem units नू interconvert करन दे विच ही आंदी है, ठीक है ना? So now, अपा आज जो topic करना है, so बच्चे देखो, आज जेड़ा lecture है, आज कह लो, अगर complete हो गया तो well and fine, नहीं तो जो कल लगूगा, मतलब जेड़ा यही topic अपा ने करना है, यही main crust है इस chapter दा, ठीक है ना? Theoretical part अपा आज करांगे, numericals अपा हो सके तो कल start करांगे, ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਨਿਚੋੜ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਇਹੀ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦ ਹੈਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੈਸ ਲਾਸ ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਗੈਸ ਲਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੈਸਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਕਿ अपने को चार वेरिएबल्स होंगे ने प्रेशर वॉल्यूम टेंपरेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स अमाउंट ऑफ द गैस ठीक है ना ये चार वेरिएबल्स होंगे हैं देखो हम ध्यान ना अगर मैं बारो प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा तो चीज कंप्रेस हो जाएगी यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज होगी सो प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्स अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो चीज एक्सपैंड करूंगी सो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर मैं अमाउंट ही इंक्रीज कर दूंगा गैस का एक मोल दे दो मोल कर दूं दो दे तीन मोल कर दूं तां भी वॉल्यूम इंक्रीज होगी सो इन्हां दा आपस जिहड़ा रिलेशन है उह सब दा इक्को ही रिलेशन नहीं है किसी दा इनवर्स है किसी दा डायरेक्ट है ठीक है तो आपां की करांगे आपां जदों किसी भी दो वेरिएबल्स दा आपस दे रिलेशन स्टडी करांगे आपां बाकी दो सपोज आपां प्रेशर वॉल्यूम नूं स्टडी कर रहे हैं ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰੱਖੂੰਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰੱਖੂੰਗਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ Boyle's law so it is called Boyle's law fine so Boyle's law ki kehnda so basically ye apna pehla relation hai ye kehnda hai ki at a given temperature so apne temperature constant karta theek hai the volume of a given mass of a gas the volume of a given mass of a gas is directly proportional to sorry is inversely proportional to is inversely proportional to the external pressure applied is inversely proportional to the external pressure applied jo apan baro pressure laga rahe hain usse inversely proportional hai apan jinna pressure lagande jawange volume ghatdi jaugi bacche so mathematically apan isnu kidda express karange ki p is inversely proportional to v if temperature and number of moles are kept constant ठीक है ना अगर टेंपरेचर नु कांस्टेंट रखिए ते नंबर ऑफ मोल्स नु कांस्टेंट रखिए ते जितना प्रेशर लगांदे जावांगे वॉल्यूम ओनी ही घटदी जाऊगी ठीक है देखो बच्चे इनवर्सली प्रोपोर्शनल दा मतलब की हुंदा है देखो ध्यान नाल सुनो अगर सपोज हुन देखो जरा अगर सपोज प्रेशर हैगा 1 एटमॉस्फेयर तो किसी भी गिवन मास ऑफ अ गैस की वॉल्यूम इस टाइम पे लेट इट बी 5 लीटर्स है ठीक है अगर मैं प्रेशर नो 2
टू एटमोसफेयर कर दूंगा, मैं डबल करता, वॉल्यूम की हो चुकी हाफ यानी कि 2.5 लीटर्स। अगर मैं प्रेशर को हाफ कर दूंगा या 1/4 कर दूं, सपोज मैं प्रेशर करता 0.25, तब 1/4 हो गया। वॉल्यूम की हो चुकी 4 गुना यानी कि 20 लीटर्स, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दुगना करने पे हाफ हो चुकी, तिगना करने पे 1/3। अगर प्रेशर 10 गुना कर दोगे वॉल्यूम 1/10 हो जाएगी। दिस इज व्हाट यू मीन बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक और वे आप कि मैं रिप्रेजेंट करते हैं, सो देखो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इस तो बाद में कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो आपा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले लिया के बाय वी, ठीक है। सो इसके सामने मैं भी कह सकता है कि पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो बच्चे इसी डेफिनेशन को नोट करो, मैं एक और वे ना लिख सकता है केडी डेफिनेशन। देखो एट अ गिवन टेंपरेचर, एट अ गिवन टेंपरेचर द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस द प्रोडक्ट ऑफ, देखो बच्चे ध्यान नाल आपां लिखांगे इसी चीज नूं, एट अ गिवन टेंपरेचर, एट अ गिवन टेंपरेचर द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ ए गैस एंड द एक्सटर्नल प्रेशर, एंड द एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। इधर देखो हम चेक करो, जो प्रेशर एक एटमोसफेयर सीगा, वॉल्यूम 5 लीटर सी, प्रोडक्ट कितना होया, पीवी कितना होया 5 × 1 = 5, क्लियर। जो प्रेशर 2 सी, वॉल्यूम 2.5, सो ध्यान नाल नोट करो 2.5 × 2 भी कितना होता है 5। जो वॉल्यूम 20 लीटर सी, प्रेशर 0.25 सी, 20 × 0.5 कितना होता है अगेन 5, ठीक है ना। सो चाहे ये लिख लो कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, चाहे ये लिख लो कि प्रेशर ते वॉल्यूम दा प्रोडक्ट की रहूगा हमेशा कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट रहूगा तो देखो हम, सो देखो आप कंटिन्यू कर रहे हैं, लेट V1 इज द वॉल्यूम एट प्रेशर P1 एंड V2 इज द वॉल्यूम एट प्रेशर P2। सो दिस इंप्लाइज P1 V1 is equal to k, constant है, also P2 V2 is equal to k, वो भी constant है बच्चे। so मेरे को overall relation की बन गया, P1 V1 is equal to P2 V2, done। so this is my final derivation for the numericals। आहा formula बच्चे अपन numericals use करांगे, कि according to Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2, क्लियर, ठीक है। सो वंस अगेन आई रिपीट कि बॉयल्स लॉ की कहता है, अगर आप प्रेशर ते अमाउंट ऑफ गैस नु सेम रखिए ता वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर, सो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, सो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। सो दिस इज आवर मेन बॉयल्स लॉ, ठीक है। हुन बच्चे बॉयल्स लॉ दी एप्लीकेशन, सो आप कितने यूज करते हैं बॉयल्स लॉ, अपनी रियल लाइफ कितने देखने को मिलता है। सो अपनी रियल लाइफ के विच बच्चे अपन बॉयल्स लॉ कितने देखने को मिलता है, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, हाँ जी बच्चे। सो हम ध्यान ना सुनो, सो जो भी आप कोई मतलब एदा दी ट्रिप ते जाने हैं, ठीक है ना, मतलब किसी हिल स्टेशन दे विच, हिली एरियाज दे विच, ता तुसी देखा होगा कि ऑफन जेडे आप प्लेन्स ते लोग रहने हैं, ठीक है ना। जो आप हिली एरिया च जाने हैं तो जो अपनी कार या बस जिस ते भी आप जा रहे हैं, जिवें जिवें उह उपर नूं जांदी है
है ना हिल टॉप ते तो आपां नूं मतलब नोजिया एंड वॉमिटिंग फील होने लग जाती है सह भी मुश्किल ना लाने लग जाता है आपां नूं ए लगन लग जाता है कि जिवें कि सह मुश्किल ना ला रहे हैं जिन्हों आपां पंजाबी कहते हैं जी जा कच्चा हो जाता है ठीक है ना उल्टी आने वाली होगी ठीक है तो वह सारे सिमटम्स आने लग जाते हैं आपां नूं वह हुण क्यों हुंदा बच्चे देखो ध्यान नाल सुनो एक सिंपल जी गल है कि सो लेट इट बी कि दिस इज की बनाया है ऑफ कोर्स नोज है ना कि देखो आपां नोज दे थ्रू इनहेल करते हैं लेट इट बी कि अपने जिहड़ी आले दुआले एयर है ना उस दे विच ऑक्सीजन दे पार्टिकल्स है जिन्हें कि अपनी बॉडी दे विच जाके आपां नूं फूड दे नाल रिएक्ट करके एनर्जी प्रोवाइड करनी है ठीक है ना हुण देखो जदों तुसीं हिल टॉप वल जा रहे हो तो आपां नूं पता ना कि जिहड़ा प्रेशर है वो डिक्रीज करता जाता है जिवें जिवें तुसीं उपर जा रहे हो ठीक है ना जिहड़ा प्रेशर हुंदा है दैट डिक्रीजेस प्लेन्स ते प्रेशर ज़्यादा हुंदा है बच्चे सो जिवें जिवें प्रेशर घटता जाऊगा वॉल्यूम बढ़ती जाऊगी एयर एक्सपैंड करती जाऊगी तो जिवें जिवें एयर एक्सपैंड करूगी तो जिहड़े आह ऑक्सीजन के पार्टिकल्स ने यह जिहड़े अपने नोस्ट्रल के आले दुआले है इन्हां दी वॉल्यूम बढ़ गई दूर दूर चले गए ठीक है तो यानी कि जिहड़ा आपां पर इनहेल जिन्नी ऑक्सीजन अंदर लैके जा रहे सीगे देखो आपां इनहेल करते हैं तो अपने अंदर ऑक्सीजन जाती है तो आपां नूं एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर आर एक्टिविटीज है ना तो जिहड़ी वो ऑक्सीजन अंदर जा रही सी जिन्नी ऑक्सीजन आपां नूं कॉमनली यूज करन दी आदत है उन्नी ऑक्सीजन अंदर बॉडी दे हुण नहीं जा रही तो थोनों ऐ लग रहा है कि जिन्नी आपां नूं आदत है जिन्नी ऑक्सीजन आपां नूं यूज करन दी आदत है उन्नी ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो आपां नूं ऐ लग रहा है कि आपां नूं सांह औखा आ रहा है ठीक है ना हौली हौली आपां नूं नोजिया वॉमिटिंग फील हुंदी है तो बहुत सारे बच्चे तुसीं देखिया होगा वड्डे भी है ना तो जिवें जिवें आपां उपर जा रहे हुंदे ने दे स्टार्ट वॉमिटिंग ठीक है ना उहदे नाल मतलब इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं हुंदा कि कौन बंदा इंटरनली स्ट्रोंग है कौन डर रहा है कौन नहीं डर रहा ठीक है ना बहुत सारे लोग जिन्होंने हिल टॉप से जाके भी डर नहीं लगता वह भी वोमिटिंग कर रहे होंगे क्योंकि वो एक डिफरेंट मैकेनिज्म है एक डिफरेंट मैकेनिज्म है ठीक है ना इस कंडीशन आप कहने होंगे एनोक्सिया दिस कंडीशन इज नोन एज एनोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की घाट ठीक है ना तो दिस इज कॉल्ड एनोक्सिया हूँ देखो हूँ यह तो नहीं ना कि जिन्ना चिर तुम हिल स्टेशन पर रहोगे जिन्ने दिन रहोगे उल्टियां ही मारते रहोगे है ना तो जिमें चले गए थोड़ी बॉडी हौली 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 उसी नॉर्मल ऑक्सीजन लेना सीख जाती है आपदे आप को उवें एकस्टम कर लेंदी है तो तुसी नॉर्मल जिदा इत्थे बिहेव करते हो प्लेन्स के उपर तो तुसी उत्थे भी उदा ही नॉर्मली रहन लग जाते हो बच्चे ठीक है ना सो दिस इज योर एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ कि जिवें जिवें आपां उपर जाने हैं किसी हिल स्टेशन पर जाने हैं उत्थे प्रेशर डिक्रीज हुंदा जांदा है वॉल्यूम बढ़ती जाती है तो जितनी ऑक्सीजन की अपनी बॉडी को आदत पई हुई है उन्नी ऑक्सीजन अपनी बॉडी च एंटर नहीं कर पाती ठीक है तो आपां नूं ऑक्सीजन की घाट फील हुंदी है अ कंडीशन नोन एज एनोक्सिया जिहदे सिमटम्स की हुंदे ने बच्चे सिमटम्स आर कि आपां नूं नोजिया वॉमिटिंग वगैरह फील होनी शुरू हो जाती है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट बॉयल्स लॉ नाउ वी शैल स्टार्ट ऑफ विद आर सेकेंड लॉ दैट इज Charles Law बच्चे सो बच्चे नाउ वी शैल स्टार्ट ऑफ विद Charles Law हुण बेसिकली Charles Law दे विच आपां रिलेशन स्टडी कर रहे हैं वॉल्यूम एंड टेंपरेचर का आपां नूं पता अगर आपां किसी चीज़ नूं हीट करांगे तो वह एक्सपैंड करू ठीक है यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर देखो रिलेशन यह है ऐसा देखो बच्चे रिलेशन इज दिस volume is directly proportional to temperature but a original charles law nahi hai main pehla sunu original charles law karwa ke fir apa is relation te aawange theek hai na so idhar dekho acha itthe main sunu ek wari fir revise karwa dewa ki apne kol jo apan ne kal kita si dhyan naal suno ki apne kol tin scales hunde ne degree centigrade degree fahrenheit and kelvin scale temperature nu dekhan de hai na तो मैं सुनूं क्या सी कि आज तो बाद आपां कदे भी क्योंकि आ दोनों मोस्ट कॉमन स्केल्स हैं अपना नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर कितना होता है 98.4 डिग्री फारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड बट आज तो बाद आपां ने की कहना है कि अपना नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर कितना है 310 केल्विन ठीक है ना
क्योंकि आप केमिस्ट्री दे विच टेंपरेचर हमेशा कैलविन च यूज करांगे ते कैलविन की हुंदा है कैलविन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 जिन्ना भी टेंपरेचर आपां नूं डिग्री सेंटीग्रेड च हैगा है, उस दे विच 273 ऐड कर दो दैट बिकम्स टेंपरेचर इन कैलविन ठीक है हुण देखो बच्चे सो ध्यान नाल देखो कि जो एक्चुअल डेफिनेशन है चार्ल्स लॉ दी इट स्टेट्स दैट कि कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट सब प्रेशर तो सेम ही रखा मैं नेचुरल है कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ ए गैस increases या decreases increases or decreases by 1 upon 273 of its volume at 0 degree centigrade for each degree rise or fall in temperature. So, देखो बच्चे, चार्ल्स लॉ की कह रहे हैं कि किसी भी गैस दी जिन्नी भी वॉल्यूम होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो तुसी जिवें जिवें टेंपरेचर 1 2 3 डिग्री बढ़ाई चलोगे और पर डिग्री 1/273 बढ़ती जाऊगी या घटती जाऊगी मैं सब मैथमेटिकली समझाना सो देखो लेट वी नॉट इज द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चे हम ध्यान ना सुनो ये आप एक गैस की गल कर रहे हैं कोई सॉलिड या लिक्विड की गल नहीं कर रहे क्योंकि आप की पढ़ रहे हैं गैस लॉस तो गैस लॉस सिर्फ गैसेस से एप्लीकेबल होंगे ना कि लिक्विड या सॉलिड से ठीक है ना कल यह ना हो भी तुम कहो कि सर मैं तो पेन के उपर प्रेशर लगा रहा पर वॉल्यूम से फर्क नहीं पाया यह सॉलिड है ठीक है ना सो देखो लेट वी नॉट इज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड सो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से गैस की वॉल्यूम वी नॉट है तो दैन एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड वो वॉल्यूम कितनी होगी देखो हम ध्यान वी एट 1 डिग्री is equal to V naught plus 1 upon 273 into V naught. गल समझ गए ना जिन्नी वॉल्यूम 0 डिग्री ते है 1 डिग्री टेंपरेचर बढ़ाने ते ओ उन्नी वॉल्यूम 1/273 उस वॉल्यूम दा नाल ऐड हो जाएगा एनी वॉल्यूम बच जू सपोज अगर 10 डिग्री ते है 10 डिग्री सेंटीग्रेड V at 10 डिग्री is equal to V naught plus 10 upon 273 into V naught. ठीक है? Suppose मैं temperature घटाता तो उन्नी घट जूगी. Suppose मैं कह रहे हैं minus 5 degree centigrade पे कितनी है? So V at minus 5 degree is equal to V naught minus 5 upon 273 into V naught. Similarly, अगर मैं कहा देखो बच्चे ध्यान नाल अगर मैं कहा V at 100 डिग्री सेंटीग्रेड या माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो कितनी होगी V naught माइनस 100 अपॉन V naught माइनस 100 अपॉन 273 इंटू V naught क्लियर ठीक है सो हूं देखो इधर देखो बच्चे ध्यान नाल सपोज मैं कोई भी जनरल टेंपरेचर ले लिया टी डिग्री तो उस टी डिग्री पे कितनी होगी वी नॉट प्लस टी अपॉन 273 इंटू वी नॉट क्लियर मैं वी नॉट कॉमन कर लिया सो दिस इंप्लाइज वी नॉट इज कॉमन 1 upon T upon 273 ठीक है
मैं एलसीएम ले लिया, सो वी नॉट इनटू 273 273 प्लस टी, हाँ जी 273 प्लस टी की हुंदा है, आपने कीता सी टेंपरेचर इन केल्विन, सो मैं की लिख सकता है, देखो बच्चे हुन, सो मैं इसी डेरिवेशन नु हुन मैं इधर लेके आ रहे हैं, सो देखो, सो मेरे कोल की बन गया, V at T degree is equal to V naught A2. So 273 plus T degree नू मैं की लिख सकते हैं, temperature in Kelvin denoted by capital T upon 273. So मैं ऐसे relation पे आ गया, देखो, इधर देखो ध्यान से. So V at T degree is directly proportional to temperature in Kelvin. क्लियर? सो किसी भी गैस की वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल. सो याद रखना बच्चे, सो देखो हुन आपां इसी नू एक मॉडर्न डेफिनेशन दे रहे हैं. सो देखो ध्यान नाल, हुन मैं की लिखूंगा, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ, देखो कीपिंग प्रेशर constant, the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the temperature in absolute ya Kelvin scale. ते केल्विन स्केल नो आपा एब्सोल्यूट स्केल भी कहने हैं, ए भी क्यों कहने हैं, ए भी आपा होने होने दस्तांगे. यू गेटिंग अ पॉइंट? सो बच्चे देखो हम ध्यान नाल, ओरिजिनल डेफिनेशन की सी, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस या डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल इन टेंपरेचर. ठीक है, उस तो आपा पहुंच गए इस डेफिनेशन पे, derivation te ki vt is equal to v naught plus t upon 273 into v naught. Ispe naal apa pahunch gaye finally ki v at t degree is directly proportional to temperature in Kelvin. So apni definition ban gayi, keeping pressure constant the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the temperature in absolute scale. So ehi apna ek modern Charles law aa gaya. Hun bache main ek minute layi आपा एक्सप्लेन करांगे कि व्हाई केल्विन स्केल इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट स्केल. हुन ध्यान नाल मेरे एक क्वेश्चन दा आंसर दे दियो, अपने दिमाग सोचियो. एदो देखो हुन आपा वापस इसी पॉइंट ते आ रहे हैं, आपा इस डेरिवेशन ते वापस आवांगे, पहला उठे आ जाओ. हुन देखो बच्चे, सो इसी फार्मूला नु यूज करदे हो. सो देखो आपा कह रहे हैं कि V at any T degree is equal to V naught plus या minus है ना T degree upon 273 into V naught. So अगर मैं volume find out करनी होवे minus 273 थे, so देखो, so V at minus 273 degree कितनी हुई बच्चे, देखो V naught minus 273 upon 273 into V naught. एक ही बन गया, V naught minus V naught is equal to 0. सो अपा की कहांगे कि कोई भी गैस जे तुसी उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ते ले आओगे तो उसकी वॉल्यूम की हो जुगी एब्सोल्यूट 0. ठीक है ना, द वॉल्यूम द गैस ceases to exist, मतलब गैस exist करना ही बंद कर दोगी कितने टेम्परेचर पे, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे. एंड इसी करके आपा इस -273 डिग्री नु कितना टेम्परेचर बनाता, 0 केल्विन, ते एक नवा स्केल शुरू कर लिया केल्विन स्केल. ठीक है ना, जिनु आपा होर की कहने हैं एब्सोल्यूट स्केल. सो देखो आपा लिखांगे, सो द वॉल्यूम ऑफ ए गैस becomes absolute zero
एब्सोल्यूट जीरो एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड. सो द गैस सीजेस टू एग्जिस्ट. सो गैस बच्चे एग्जिस्ट करना ही बंद कर दूंगी किन्ने टेम्परेचर ते -273 डिग्री सेंटीग्रेड ते. आप कहेंगे कि उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? एब्सोल्युटली जीरो. पल्ले पे कर ठीक है. हम देखो नेक्स्ट देखो. सो सेम चीज. सो देखो बच्चे हुन गैस ने अपने कहता कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे एग्जिस्ट करना ही बंद करता. सो आप की कहेंगे दिस -273 डिग्री सेंटीग्रेड is taken as zero Kelvin. ठीक है ना. तापमान एक नवा स्केल शुरू कर लिया इसको zero Kelvin टेम्परेचर देके. ठीक है ना. तो this scale is hence called absolute scale. हाँ जी बच्चे जे हम सब कोई पूछे कि एडवांटेज की होगी बच्चे केल्विन स्केल दी की एडवांटेज है ना कि आपा टेंपरेचर नु हमेशा केमिस्ट्री दे विच जिवें मैं सानू किया कल ठीक है कल वाले लेक्चर च किया सी ना भी केमिस्ट्री दे विच डिग्री फारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड नु भूल जाओ. अगर सानू न्यूमेरिकल आ रहे है ते टेंपरेचर सानू डिग्री सेंटीग्रेड दित्ता है आपा पहला उस नु केल्विन च कन्वर्ट करांगे. किवें करांगे? 273 ऐड करके फिर अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करांगे नेक्स्ट 2 इयर्स लई. कदे भी केमिस्ट्री च आपा टेंपरेचर डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फारेनहाइट दे विच नहीं लवांगे. कारण की है बच्चे. सो देखो सो एडवांटेज ऑफ केल्विन स्केल. सो बच्चे द वैल्यू इन दिस स्केल इज always positive. So Kelvin scale दी degree centigrade दे ऊपर advantage की है बच्चे कि ये हमेशा ही positive होगा. तुसी खुद सोचो सब तो वड्डी value किस च हुंदी है? सब तो वड्डी value किस च आंदी है? Fahrenheit च. उद्दू छोटियां degree centigrade, सब तो छोटियां Kelvin च. हुन जे आपां उल्टा सोचांगे ता -273 नूं आपां 0 Kelvin लगता है. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਸੋਚੋ ਵੀ -273 ਤੇ ਕੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? -80. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ -273 ਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲਵਿਨ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਕੈਲਵਿਨ ਸਕੇਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਿਲ ਆਲਵੇਸ ਬੀ ਇਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਇਲਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ. ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਡਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट ए गिवन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर इन केल्विन स्केल्स. सो मैं इसको आई भी लिख सकता है कि v इज इक्वल टू kT. मैं भी कह सकता है v/T इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो अगर v1 इज द वॉल्यूम एट टेंपरेचर T1 ठीक है. सो मैं ये कह सकता है इफ V1 इज द वॉल्यूम एट टेंपरेचर T1 एंड V2 इज द वॉल्यूम एट टेंपरेचर T2. सो मेरी फाइनल डेरिवेशन की बन गई V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2. सो बच्चे दिस इज द फाइनल डेरिवेशन जो अपन न्यूमेरिकल्स यूज करेंगे. हुन अगेन पिछली बार की तरह चार्ल्स लॉ दी अपनी रियल लाइफ दे विच बच्चे की एप्लीकेशन है. हुण तुसी ध्यान नाल देखो. तुसी देखिया होएगा हॉट एयर बैलून्स जो हुंदे ने ट्रांसपोर्टेशन लई यूज करदे है ना.
हॉट एयर बैलून्स च बच्चे हुंदा की है हाइड्रोजन ते हीलियम दा मिक्सचर ते ओ भी एट हाई टेंपरेचर्स आपां नॉर्मली भी तां अपने कोल बैलून्स हुंदे ने आपां यूज करदे हां हना ते तुसीं देख्या होएगा कि जिहड़े बैलून्स हुंदे ने उहनां विच जिहड़ी ओह गैस भरदे ने दैट इज हॉट एयर ठीक है ना हॉट हाइड्रोजन हीलियम मिक्सचर ठीक है ना तुसीं देख्या होगा कि जेकर आपां मतलब आपां खुद बैलून नूं मतलब हवा नाल भरीए ठीक है ना तो आप एक्सेल की करांगे कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है 44 ग्राम्स एयर का एवरेज मास कितना होता है 28 पॉइंट समथिंग तो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे हैवी हुई एयर तो इस करके आप कदे भी अगर मुंह नाल गुब्बारा फिल फुलाने हैं तो कदे भी उड़दा नहीं वो नीचे आता फटाफट यू गेटिंग अ पॉइंट मेरी गल समझ आई कि नहीं अगर आप नॉर्मल पंप नाल फिल करते हैं ठीक है ना जिहड़े बच्चों को पंप्स होंगे ने उहदे नाल फिर भी हल्का होंदा है बट कदे भी उपर नहीं जाऊगा बट जिहड़े आपां उड़न वाले गुब्बारे लैके आने हैं उसदे विच हाइड्रोजन हीलियम मिक्सचर नॉर्मली हीलियम ठीक है ना तो वह भी गर्म की हुई तो हम देखो एक तो पहले ही गैसेज सब तो हल्किया गैसेज है उपरों की गर्म की हुई हैं गर्म करके उन्होंने वॉल्यूम बढ़ गई होर भी लाइट हो गई आप वापस आने अपनी एप्लीकेशन से सो जो हॉट एयर बैलून तुम मूवीज वगैरह देखते हो जिड़े कि दे कैन कैरी लोड्स ठीक है ना क्विंटल्स च वजन चक लेंगे वो ठीक है ना तो ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं सो दे आर ऑलसो फिल्ड विद हॉट मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम बच्चे ठीक है सो दिस इज अबाउट चार्ल्स लॉ एक ग्राफ रह गया वो सुनो सो देखो सो अगर मैं दोनों लॉज का ग्राफ बनाना हो ठीक है ना सो देखो रे अगर आप प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाना है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सो लेट इट बी प्रेशर एंड वॉल्यूम प्रेशर बढ़ता जाऊंगा वॉल्यूम घटती जाऊगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर मैं वॉल्यूम एंड टेंपरेचर ग्राफ बनाना है चार्ल्स लॉ तो जीरो केल्विन ते जीरो वॉल्यूम जिवें जिवें टेंपरेचर बढ़ता जाऊगा वॉल्यूम बढ़ती जाऊगी सो दिस इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड दिस इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर अगर सपोज मैं वॉल्यूम टेंपरेचर ग्राफ्स बनावा देखो बच्चे इदां दे क्वेश्चंस कॉमनली आते हैं एग्जाम्स अगर मैं एक वॉल्यूम टेंपरेचर ग्राफ बनावा एट डिफरेंट प्रेशर्स सपोज आ ग्राफ बन गया प्रेशर पी वन ते ए ग्राफ आया एट प्रेशर पी टू पी थ्री एंड सो ऑन हुन मैं सानू अच्छा पहला इस ग्राफ नू आपां की कहने हैं बच्चे जो वॉल्यूम टेंपरेचर ग्राफ है तो प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो ग्राफ इज नोन एज आइसोबार ए वर्ड कितों आया बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर आपने कल किया आइसो मीनस सेम सो जो प्रेशर सेम है तो ग्राफ का नाम की बन गया आइसोबार हुन सुनो सो ध्यान रख हुन सानू क्वेश्चन की पूछा गया है कि पी वन पी टू पी थ्री इन्हां तिन्हां नू इनक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर च लिखो कि सब तो ज्यादा किहड़ा पी वन या पी थ्री हुण देखो इहदे लई आपां ने की करना है कोई भी एक टैंपरेचर ते वॉल्यूम नोट करो सपोज मैं आ टैंपरेचर फिक्स कर लिया हुण इस ते तिन्हां दी वॉल्यूम किन्नी है देखो बच्चे ध्यान नाल पहले ग्राफ दी वॉल्यूम एनी है आवली वैल्यू है दूजे ग्राफ दी वॉल्यूम दी वैल्यू एनी है तीजे ग्राफ दी वॉल्यूम दी वैल्यू एनी ठीक है सो तीनों प्रेशर्स चो सब तो ज्यादा वॉल्यूम की दी है पी थ्री दी उदू कट की दी है पी टू सब तो कट की दी है पी वन सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अगर अपना टेंपरेचर सेम होवे सो सब तो कट वॉल्यूम पी वन ते है सो पी वन ग्रेटर दैन पी टू ग्रेटर दैन पी थ्री डन सो दिस इज ऑल अबाउट चार्ल्स लॉ नाउ वी शैल मूव ऑन टू आर नेक्स्ट लॉ बच्चे अपने डिस्कस करना है दैट इज गे-लुसेक्स लॉ
सो दिस इज कॉल्ड गे-लुसेक्स लॉ. ठीक है, एक ही कहना बच्चे, द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर कीपिंग द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट. सो अगर आप वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखेंगे, देखो बच्चे एक सिंपल जा फंडा है, इधर देखो, लेट इट बी, मेरे को एक बीकर है, मैं इसको ऊपर क्लोज करता, क्लियर, ये बंद हो गया. हुन इसकी वॉल्यूम कांस्टेंट होगी क्योंकि वॉल्यूम तो हम इंक्रीज हो नहीं सकती क्योंकि अपन ने लिड क्लोज कर दी. हुन अगर इसके विच कोई गैस है, ठीक है, तो अगर तुम नीचे इसको टेम्परेचर दे रहे हो, हीट कर रहे हो, तो गैस की एनर्जी बढ़ेगी, किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो और जल्दी मूव करूगी, स्ट्रॉन्गली मूव करूगी, फास्ट मूव करूगी, ते जाके वॉल्स नाल बहुत स्ट्रॉन्गली टकराऊगी एंड प्रेशर इंक्रीज हो जाऊगा. बेसिकली अपने प्रेशर कुकर दी जो विसल बजती है वो क्यों बजती है, इसे करके बजती है क्योंकि अंदर स्टीम इकट्ठी होई जाती है, स्टीम की एनर्जी बढ़ती जाती है. जो इन्नी स्टीम की एनर्जी इनक्रीज हो जाती है, जो स्टीम की एनर्जी इन्नी इनक्रीज हो जाती है कि प्रेशर कुकर उस हुण होर हैंडल नहीं कर सकता, तो विसल ब्लो कर जाती है एंड एक्सेस स्टीम आउट हो जाती है. अगर सपोज विसल ब्लो ना करे बच्चे, तब ब्लास्ट हो जाएगा. ठीक है, हुण मतलब अगर तुसी कहो कि सर अगर ऊपर विसल ना होवे तो लिड बंद ही रहे, तो तुसी उसनू हीट करी जाओ तो कदे ना कदे बच्चे ब्लास्ट हो जाएगा. यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है ना. सो द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर keeping the volume constant. So pressure is directly proportional to temperature, bache. Theek hai? This implies P is equal to KT. So this implies P upon T is equal to constant. So this implies P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. So this is the final formula for the numericals. अगर मैंने एक ग्राफ आ रहा है, ठीक है, between pressure and temperature, तो again the graph will be directly proportional and इस ग्राफ नू बच्चे अपन नाम देने हैं isochores. ठीक है ना, जो वॉल्यूम कांस्टेंट होवे तो उसनू अपन कहने हैं isochores. iso means same and core stands for volume. And similarly, अगर अपन नू किया गया है कि दिस इज द प्रेशर एंड टेम्परेचर ग्राफ एट वी वन वॉल्यूम, वी टू वॉल्यूम एंड वी थ्री वॉल्यूम, तो अगेन सेम वही फंडा कि वी वन इज ग्रेटर दैन वी टू इज ग्रेटर दैन वी थ्री. ठीक है बच्चे, डन. सो दिस इज अबाउट गे-लुसेक्स लॉ. हुण बच्चे गे-लुसेक्स लॉ की एप्लीकेशन अपनी रियल लाइफ कितने होंगी है, तुसी कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा कि हाँ जी, जो समर सीजन होंगे इन द मंथ्स ऑफ मे एंड जून, जो बिल्कुल एक्सेस हीट होंगी है ना, तो जो अपने वेल इनफ्लेटेड टायर्स होंगे ने, मतलब हमेशा इट इज रेकमेंडेड इन हॉट समर्स, जो बंदे बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं कि वह जी टायर्स च हवा होंगी है उसनों कदे भी बिल्कुल फुल नहीं भराना चाहिए, उसकी थोड़ी बहुत लिमिट आपको घट रखनी चाहिए है. उसका रीजन की है कि जो वह गर्म रोड के उपर कार चलूगी तो उत्तों की फ्रिक्शन होगी, रोड पहले ही गर्म है, तो जो अंदरला उसके हवा भरी हुई है बच्चे वह गर्म हो जूगी, वह प्रेशर बढ़ेगा एंड टायर कैन ब्लास्ट. तो आप सुनने मिलते भी ने, पड़ाके पैंदे भी ने, ब्लास्ट होंगे ने, टायर फट जाते हैं गर्मी च. एंड सिमिलरली उल्टा भी तुम देखा होगा कि जो बिल्कुल विंटर्स होंदिया ने, ठीक है ना, तो तुसी कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा जो आप घर मतलब आप मॉर्निंग उठ के अपने काम से या
लाइक पढ़ने ली स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर्स ली जान लगते हैं तो अपने कारा दी टायर कारा दे टायर्स नो अगर तुसी देखोगे सुनो आए लगूगा कि हवा कटी हुई है ठीक है एंड व्हेन दे मूव ऑन रोड हौली हौली गर्म होकर नॉर्मल दिखने लग जाते हैं और द रीजन सेम अगेन कि जिहड़ी एयर है ड्यू टू द विंटर सीजन ठंड करके वो कंप्रेस हो जाती है तो आपां नूं आए लगता है कि टायर च हवा घट गई जबकि वो नहीं होती है ठीक है ना सो दिस इज अबाउट गे लूसिक्स लॉ कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कीपिंग द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट ठीक है नाउ वी शैल मूव ऑन टू आवर फोर्थ एंड लास्ट गैस लॉ बच्चे ठीक है ना सो फोर्थ एंड लास्ट गैस लॉ विच स्टेट्स सो पहला बच्चे लॉ का नेम की है द लॉ इज Avogadro's law, ठीक है? The law is Avogadro's law. So Avogadro's law की कहता है, keeping pressure and temperature constant, the volume of a gas is directly proportional. To its number of moles. So तो अपन पता ही है बच्चे कि अगर pressure दे temperature को अपन constant रखांगे, तो जब अपन amount of gas increase करी जाएंगे, तो volume बढ़ दी जाएगी, ठीक है ना? So V is directly proportional to number of moles. Clear? वैसे भी अपन पता है कि at NTP एक mole of किसी भी gas का, ठीक है ना? One mole of any gas It occupies a volume of 22.4 liters. 2 moles di kinni hoegi? 44.8. 3 moles di kinni hoegi? 67.2 and so on. Theek hai na? So now, volume is directly proportional to number of moles. So, V is equal to K into N. So, V upon N is equal to constant. Theek hai? So, ethomerical final relation ban gaya. V1 upon N1. is equal to V2 upon N2. Clear? So this is about your last gas law. That is your Avogadro's law. Hun bache, apa ek equation banane hai, jehdi ki satisfy karogi inna sare gas laws nu. Theek hai? So dekho zara dhyan naal. So dekho bache, So, अपन एक लास्ट इक्वेशन बनाते हैं इसमें अपन कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस की होती है या की नहीं अपन बात चाहते हैं बट पहला आप की कहते हैं सो देखो आइडियल गैस इक्वेशन की होती है सो आप कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी According to Charles' law, volume is directly proportional to temperature. According to Avogadro's law, volume is directly proportional to number of moles. And P is directly proportional to T according to Gay-Lussac's law. So, dekho, P is directly proportional to NT by V. So, dekho, sare laws which include ho gaye hain which. Agar main V nu idharle passe le jaan, की बन जूगा सो देखो ए दो लॉज इंक्लूड हो गए प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर सो अगर मैं वॉल्यूम नो इधर ले आवा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स सो मैं एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट ले लिया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी सो बच्चे वेरी 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 इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर का पूरा क्रस्ट ठीक है ना सो वेयर आर इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सो आर इज योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बच्चे ठीक है ना एंड नाउ
आर दियां वैल्यूज की होंगियां, ठीक है। सो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, एक मेरी आइडियल गैस इक्वेशन बन गई, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन मतलब की है कि मैं इस इक्वेशन नू सारे गैस लॉज नू मिला के बनाया है, ठीक है ना। चलो पहले मैं तुम दस ही देना है कि एक आइडियल गैस की होंगी है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एन आइडियल गैस? द गैस विच बिहेव्स अकॉर्डिंग टू गैस लॉज और आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो एक ऐसी गैस जिन्हें कि इसी के अकॉर्डिंग बिहेव करूंगी एट ऑल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, दैट इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। सॉरी आइडियल गैस, दैट इज कॉल्ड एन आइडियल गैस बच्चे, ठीक है। सो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो पी वी एन ते टी ते चार वेरिएबल्स हैगी ने। आर मैं की ले लिया एक यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, हुन जिस दियां वैल्यूज की होंगियां बच्चे। सो देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे, हुन मैं अगेन सबको कह रहा है स्टार्टिंग तो कि अगर इस दिन न्यूमेरिकल्स च प्रॉब्लम आऊगी, देखो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा, अगर प्रॉब्लम आऊगी तो यूनिट्स दे विच या आर दियां वैल्यूज ते आऊगी। सो देखो आर दियां वैल्यूज, सो वैल्यूज ऑफ आर, सो मैं सिर्फ सिर्फ तीन वैल्यूज याद कराऊंगा, ज्यादा नहीं। बुक दे विच तां बच्चे 7-8 वैल्यूज दित्तियां होंदियां, बट आपां ने सब नूं रट्टा नहीं मारना क्योंकि ये तीन वैल्यूज लर्न करके अपना मसला हल हो जाऊगा। सो देखो, सो यूनिट वैल्यूज ऑफ आर दे डिपेंड अपॉन द यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो देखो बच्चे क्यों, क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT, N की है नंबर ऑफ मोल्स, इसका कोई यूनिट ही नहीं, 1, 2, 3, ठीक है। T की है टेम्परेचर, वो अपन ने स्पेसिफाई करता कि अपन हमेशा किस चलावांगे, केल्विन च। सो सिर्फ प्रेशर पे वॉल्यूम दा ही रोला रह गया, ठीक है ना। सो हुण ध्यान नाल देखो, अगर प्रेशर दिता हुआ होवे आपां नूं एटमोसफेयर च ते वॉल्यूम दित्ती होवे लीटर्स च, आपने कहा लीटर से डेसीमीटर क्यूब तो बराबर ही होंगे, ठीक है। तो आर की वैल्यू पुट करा 0.0821, ठीक है। अगर प्रेशर दिता हुआ हो बार च, अगेन वॉल्यूम दिती भी हो डेसीमीटर क्यूब या लीटर च, तो आप वैल्यू पुट करा 0.0831, ठीक है। अगर एटमोसफेयर से क्वेश्चन आऊगा तो हमेशा लीटर दिता हुआ होगा, अगर बार से आऊगा तो डेसीमीटर क्यूब दिता होगा। हुन ऐसा यूनिट्स से आ जाओ, अगर प्रेशर का ऐसा यूनिट दिता है पास्कल और वॉल्यूम का दिता अपन मीटर क्यूब, तो बच्चे आर पुट करांगे 8.314, डन क्लियर। तो आर पुट करांगे 8.314, ठीक है। सो सिर्फ ये तीन वैल्यूज याद करनी है, बाकी वैल्यूज नूं आपां ने रट्टा नहीं मारना। हुण देखो बुक दे विच की दित्ता हुआ होगा, अगर प्रेशर होवे एटमोसफेयर च, वॉल्यूम होवे मिलीलीटर च, तां इहदी वैल्यू हो जाऊगी 82.1। आपां सब नूं रट्टा नहीं मारना, अगर ये एटमोसफेयर च है ते वॉल्यूम मिलीलीटर च है तां उहनूं लीटर च कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। मिलीलीटर नूं लीटर च कन्वर्ट करके वैल्यू पुट करो 0.0821, दैट्स इट, डन, ठीक है ना। सो ये इंटर कन्वर्जन आपां उदो जो मैं सुनो न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो समझ आ जाएगा, कोई बहुत ही लंबी चौड़ी गल नहीं है, ठीक है। सो दीज आर योर वैल्यूज ऑफ आर, ठीक है। हुण एक लास्ट टॉपिक आज ले कि बेसिकली आर की है बच्चे। सो व्हाट इज आर? सो देखो बच्चे, नाउ व्हाट इज आर, जिस तुम पूछा जाए कि बेसिकली आर है की चीज, भी ये दसदा की है कि आर की है ना, नेचर ऑफ आर। सो देखो तुसी लिखोगे पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है बच्चे। नाउ आर दी वैल्यू की बन गई इस चो पीवी अपॉन एन टी, ठीक है। मैं पी नू की लिख सकता है फोर्स बाय एरिया,
इनटू वॉल्यूम इनटू एंटी, क्लियर? फोर्स इनटू, सो वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट अपॉन एरिया किया है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू एंटी, सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ कट गया, ठीक है? सो बच्चे आर, हाँ जी, फोर्स इनटू डिस्टेंस की होता है वर्क डन, सो वर्क डन पर मोल पर कैलोरी, सो वर्क डन पर मोल पर केल्विन टेम्परेचर इज द नेचर ऑफ द आर। सो अपन क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय आर या व्हाट इज द नेचर ऑफ आर, तो आप कहोगे कि किसी भी गैस का अगर एक मोल तुसी ले रहे हो, तुसी किसी भी गैस का एक मोल लो तो उसका टेम्परेचर एक डिग्री बढ़ा दो, सो जितना कम करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट यू मीन बाय आर। सो द वर्क डन पर मोल पर केल्विन टेम्परेचर, किसी भी गैस का एक मोल लेके उसका टेम्परेचर एक केल्विन अगर तुसी इंक्रीज करना है तो उसके लिए सानू कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी या कितना काम करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट यू मीन बाय आर बच्चे। सो दिस इज द नेचर ऑफ आर। सो आप इतने रुकेंगे आज, एंड वंस अगेन आई रिपीट कि दिस टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हुन अगले टॉपिक दे विच कल आप इस टॉपिक दे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है? तो एक अद्धी डेरिवेशन हो रहा है पहला वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना? विद इन द फर्स्ट 15 मिनट्स अपने लॉज कंप्लीट हो जाएंगे, उस तो बाद अपन न्यूमेरिकल्स शुरू कर लेंगे इन्हां दे, ठीक है बच्चे? बट जो इंपॉर्टेंट सी सारा वो मैं सानू करवा चुकिया, सो कल सानू लैक्चर स्टार्ट करन तो पहला ये सारे टिप्स ते होने चाहिए ने, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गे लूजेक्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस की होती है, What do you mean by R and the units of R, बच्चे? ठीक है? So इन्ना तो उसी चंगी तरह revise करके notes बना लेने हैं, and जो soft copy notes नहीं मैं सुनूं send की थी है, उधर बच्चों इन्ना नू read out कर लेना है, ठीक है बच्चे? So keep studying, keep revising, and take very good care of your health. Thanks a lot, बच्चे.